गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज पेज नंबर 74 की करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज ए डुअडलर के नीचे दिया है ऐड सेंस आर फॉर इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, इसमें सेंस का यूज़ कहाँ होगा और फॉर का यूज़ कहाँ होगा, तो आप लोग को जानना चाहिए कि जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहाँ पर सेंस का प्रयोग होगा और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। फर्स्ट एग्जांपल में ही हैज़ नॉट सेंट मी एनी मनी। अब यह फेब्रुवरी, फेब्रुवरी पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, किस महीने से फेब्रुवरी, इसलिए यहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, सेकंड में देखिए, वी हैव व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब यहाँ पर सेंस यस्टरडे, सेंस यहाँ भी यस्टरडे कल, कल के लिए सेंस यस्टरडे। फिर है नोबडी हैज़ कम टू सी मी सिंस मंडे, मंडे भी पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग दिया है, तो सिंस अर्ली मॉर्निंग आप कर दीजिए। अब पाँचवें भी एक्सरसाइज में है ही हैज़ बीन सेलिंग कार्स। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, 10 वर्षों का पीरियड है, तो फॉर 10 ईयर्स। ओके, फॉर 10 ईयर्स। सिक्स है माई फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ये पीरियड है इसलिए फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेवेंथ एक्सरसाइज, आई हैव नॉट डन माई वर्क फॉर ए मंथ, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, एक महीने से फॉर ए मंथ। एट, ही हैज़ नॉट बीन हीयर 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों का समय पीरियड है, तो फॉर 3 वीक्स। नाइन एक्सरसाइज, ही हैज़ बीन लिविंग हीयर, अब यहाँ पर ईयर दिया हुआ है सिंस 1989। और एक्सरसाइज नंबर 10, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock। ओके, तो ये एक्सरसाइज सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो नाउ टुडे यू हैव कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर ए ऑन पेज 74 और बी एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।